सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में दहेज के लिए बहू से मारपीट की गई। मारपीट में घायल बहू ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। शिकायत पर पुलिस ने सास ससुर पति समेत 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। शिकायत में फरियादिया निशा पति पवन राय उम्र 31 साल निवासी कछियाना मोहल्ला ने बताया कि मार्च 2016 में पवन राय से प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक चला, लेकिन बाद में ससुराल वाले 2 लाख रुपए दहेज की मांग कर परेशान करने लगे। वे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। कुछ समय पहले मुझे घर से निकाल दिया, जिसके बाद मैंने न्यायालय में घरेलू हिंसा का केस लगाया था। 9 मई को देवर की शादी होने वाली है, शादी के लिए उन्होंने घर बुलाया था। मैं घर पहुंची तो वहां ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के पैसे नहीं लाने की बात कहकर गाली गलौज शुरू कर दी। ससुराल पक्ष के लोगों ने एकमत होकर मारपीट की। मारपीट में हाथ, गले, पीठ और पैरों में चोटें आई हैं। मामले में मोतीनगर थाने पहुंचकर शिकायत की। निशा की शिकायत पर पुलिस ने पति पवन राय, सास अंजना, ससुर हीरालाल समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मारपीट समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। ग्वालियर के स्विमिंग पूल में 2 गुटों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के नाम ईशा राय है और मैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करने आई थी, क्योंकि इनकी दहेज की मांग है। मेरी और मेरे पति की लव मैरिज है, ये लोग उसके बाद भी परेशान करते हैं। 9 तारीख को मेरे देवर की शादी आज उनका मंडप है, तो मैंने सोचा कि चलो जाती हैं, सामने बैठ के बात करते हैं। तो इनकी मम्मी ने मुझे गाली गलौज करना चालू कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे रोड पे घसीट घसीट के पटक पटक के मारा। सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।